दोस्तों, मैं हूँ किट्टू और आपका मेरी किट्टू वर्ल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रेसिपी का नाम है हरा आलू दम बिरयानी, जो बहुत ही लजीज है, विंटर स्पेशल है और सभी सामग्री आपको घर में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरा आलू दम बिरयानी। पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ये है मसालदानी, ये है चावल और ये कप है जिसे मैंने 2 कप चावल लिए हैं और आधा घंटा मैंने छोड़ दिया है भिगो के। उसके बाद जो हरा पेस्ट बनाने के लिए धनिया पत्ता, जीरा, काली मिर्च, लहसुन, हरी मिर्ची, इन सबको हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। उसके बाद ये 1 कटोरी दही, मटर, हरे मटर अभी तो सीज़न है, 2 प्याज, 4 आलू जिसको कि हम उबालेंगे, बटर, तेल, घी और ये है मीट मसाला, जो वेजिटेरियन है वो नहीं डालेंगे, और ये पानी। अब हम इस आलू को उबाल लेते हैं प्रेशर कुकर में। देखिए मैंने उबाल लिए हैं, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस को ऑन किया, फिर हमने जल्दी से इसमें नॉनस्टिक का फ्राइंग पैन डाला और उसमें 2 बूंद अब हम तेल डाल देंगे। जो आलू हमने उबाले हैं उसको हम इसमें फ्राई करेंगे। तो अब हम उबले आलू लेंगे, उसके 2 टुकड़े करेंगे और फॉक से उसमें छेद कर देंगे ताकि मसाला अंदर तक जाए। इसमें मैंने एक थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है, मेरे पास चिली फ्लेक्स है, ये डोमिनोज के बचे हुए हैं कुछ, तो मैंने ये डाल दिया है, इससे थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, और इसको एकदम धीमी आंच पे करारा सेकना है आलू को, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा हिला देंगे और धीमी आंच पर इसको हम छोड़ देंगे। अब हम इसको इधर शिफ्ट करके दूसरे चूल्हे पे चावल जो हमने भिगोए थे वो हम प्रेशर कुकर में सीटी लगा देंगे। हमने 2 कप चावल लिए थे तो हम इसमें उसी कप से नाप के 2.5 कप पानी देंगे और उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। ये देखिए मैंने सारे चावल डाल दिए हैं। ज़रूरी नहीं है लंबे वाले ही चावल, जो घर में है अवेलेबल हम उससे भी चावल बना सकते हैं। ये देखिए उसी कप से मैंने डाला है, 2.25 कप डाला है मैंने, और ये भी थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को, आप 2 ही डालिएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। ये देखिए इधर हमारे आलू भी धीमी आंच पर लाल हो रहे हैं, अब हम घी को मिला देंगे। अब इसमें हम ढक्कन लगा के और 1 सीटी आने तक हम वेट करेंगे। और इधर हमारे वो देखिए आलू भी धीमी धीमी आंच पे लाल हो रहे हैं, ये देखिए, इसको बीच बीच में घुमाते रहना है। अब हम जो हमारी जो ग्रीन ग्रेवी है जो हमने पेस्ट की है उसको अब हम फ्राई करेंगे। तो इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी दूसरे चूल्हे पे। ये देखिए मैंने कढ़ाई को डाल दिया है ग्रेवी बनाने के लिए, सरसों तेल जो बचा हुआ था वो डाल देंगे और जो शुरू में बटर था
उसको भी डाल देंगे। ये देखिए, और जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम वो ग्रीन पेस्ट डाल देंगे। और इसको देखिए, मैंने बीच में फिर आलू को हिला दिया है ताकि इसके ऊपर एक क्रंची सी कोटिंग हो जाए बढ़िया से। इसको भी मैंने हिला दिया है। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट मिक्सी में पीस के रखा था उसको हम डाल देंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसको मैं डालूँगी तो आप झट से ढक्कन दूसरे हाथ से ढक दीजिएगा। ये देखिए जैसे मैंने किया तो इससे छींटे नहीं लगते हैं, और इसको ढक दीजिए। वो देखिए मैंने फिर से आलू को कर दिया है। देखिए इधर चावल में सीटी लग गया है। अब मैं आलू को इधर शिफ्ट कर दे रही हूँ ताकि वो अच्छे से और लाल हो जाए। ये देखिए धीमी आंच पे वो लाल हो गए हैं। उधर मैं गैस ऑफ करना भूल गई थी। अब आलू भी मेरे हो गए हैं, उधर मेरी ग्रीन वाली जो ग्रेवी है वो भी तैयार हो रही है। अब मैंने इसमें थोड़ा रिफाइंड डाला है। जो प्याज मैंने आपको दिखाए थे उसको पतला पतला काट के और डाल देना है। ये देखिए, ये मैंने दो प्याज काटे हुए हैं और उसको मैंने लाल करने के लिए छोड़ दिया है। ये जब हम बिरयानी को असेंबल करेंगे तब उसमें ये ऊपर से डालने के काम आएंगे। इसमें थोड़ा सा हल्का सा रिफाइंड ज़्यादा लगता है क्योंकि प्याज लाल होता है। और ये देखिए इधर मेरी ग्रीन वाली ग्रेवी कैसे पक रही है, कलर कितना अच्छा आया है। ये देखिए नज़दीक से बहुत ही लाजवाब सा कलर आया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डाल देंगे, जैसे मटर डाल दिए हैं मैंने। ऑप्शन है, आपको पसंद है तो डालिए, वैसे सीज़न है अभी, विंटर स्पेशल्स हैं ये सब की सब, तो आपको अच्छा लगेगा। प्याज लाल हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे छान के, जो एक्स्ट्रा जो तेल है वो उसी में रह जाएगा। देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। अब हम चलते हैं इधर, देखिए तेल जो है वो ऊपर आने लगा है। देखिए मैंने इसको एक बार अच्छे से चला दिया है ताकि नीचे ना लगे। अब इसमें मैं नेक्स्ट डालूँगी दही, जो मैंने एक कटोरी ली थी स्टार्टिंग में, अब हम उसको डाल देंगे। दही डालते के साथ ही हमको गैस ऑन करके फुल हाई वॉल्यूम हाई फ्लेम पर और चलाना है। ये देखिए अच्छे से। और दूसरी तरफ से मैं अब इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी, लाल मिर्च का पाउडर। ये एंटायर अप टू यू है कि आप कितना डालेंगे मसाला। ये देखिए धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है, और इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे नहीं तो वो येलो कलर ले लेगा। अब मेरे पास ये मीट मसाला है, जो वेजिटेरियन है वो सब्जी मसाला भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें ये 2 चम्मच मीट मसाला एवरेस्ट का डाला है, इससे और टेस्ट अच्छा हो जाता है। और वेजिटेरियन जो है वो वेज मसाला भी डाल सकते हैं, किचन किंग भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से ये देखिए मिक्स कर दूंगी बढ़िया से। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं बता नहीं सकती, अपने शब्दों में भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। अब हम इसमें जो आलू फ्राई किए थे उसको डाल देंगे। ये देखिए धीरे धीरे करके हम सॉरी डाल देंगे, और डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए हम और ढक देंगे ताकि पूरा मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक जाए और तेल पूरा आ जाए। अब देखिए, ये देखिए क्या कलर आया है, देखिए पूरा तेल मसाले ने छोड़ दिया है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब जो ये चावल है उसको मैं इस ग्रेवी के ऊपर डाल दूंगी, हरा दम आलू की जो ग्रेवी है उसके ऊपर डाल दूंगी, गैस ऑफ कर दूंगी मैं। ये देखिए पूरा का पूरा अच्छे से डाल दूंगी। अब हमने जो वो प्याज फ्राई किए थे वो डाल देंगे अच्छे से।
ध्यान रहे कि ये प्याज जले ना। देखिए अच्छे से डाल दिए। अब बारीक धनिया पत्ता, ये बहुत मस्त है, इससे स्वाद और दुगना हो जाता है। पुदीने का पत्ता मेरे पास नहीं था, अगर है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ये वाइट ग्रीन। और ये है नींबू का रस एक चम्मच, ये देखिए हमने पूरा डाल दिया है। अब ये हमारी बिरयानी असेंबल हो गई है। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे देखिए, और गैस ऑन करके हम इसको एकदम धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये हमारी बिरयानी 5 मिनट के बाद रेडी हो गई है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती, और बिल्कुल लाजवाब सी तैयार हुई है। ये देखिए नज़दीक से अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए बहुत ही लाजवाब लजीज ये बिरयानी बनी है। आप लोग ज़रूर से घर पे बनाइएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख के बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। ये देखिए बिरयानी थाली तैयार है।